राज्य के वनवासियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम में हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो सबसे पीछे सबसे गरीब है वो मेरे लिए सबसे पहले है। भगवान ने धरती हवा पानी सबके लिए बनाया है, इसलिए इस सब पर सबका हक होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई योजनाएं शुरू की हैं, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, वनवासियों को सौगात दी गई है। वनवासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी सौगात भी दी है। 47 जिलों के वनवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। अरे भगवान, ये धरती सबके लिए बनाई है, कुछ लोगों के लिए बना के थोड़ी भेजी है। आप बताओ, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं? हवा सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, जमीने सबके लिए बनाई। लेकिन कुछ बुद्धिमान और कुछ ताकतवर लोग, उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के दम पे कब्जा कर लिया, दुनिया के संसाधनों पे। और जो भोले वाले सीधे साधे लोग थे वो वंचित रह गए, वो जंगल में रह गए। भाई, सबके लिए भगवान ने बनाया तो सबका सबका हक क्यों नहीं होना चाहिए? जो सबसे नीचे सबसे पीछे सबसे गरीब, उसके लिए सबसे पहले निकाय के लिए सरकार, इसलिए हक है, हमारा अधिकार है। और ये मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है कि मैं दे के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए एक नहीं कई योजनाएं प्रारंभ की हमने। मुझे लगता था कि मेरे बेटा बेटी बच्चे, गरीब बेटा बेटी क्यों पढ़ने ना जाए, अकल की कमी तो है नहीं। 15 साल में गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा, कोई से जिले में देख लो, अनूपपुर में देख लो, चाहे झाबुआ में देख लो, सीहोर में देख लो, चाहे मंडला में देख लो, आदिवासी क्षेत्रों में जाना दुर्गम था। मैंने तो छिंदवाड़ा के पातालकोट तक भी सड़क पहुंचा दी, पातालकोट तक। तो 14-15 साल पहले आदिवासी कल्याण का विकास का बजट था केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट का केवल 600 करोड़ रुपया, 7384 करोड़ रुपया आदिवासी विभाग का बजट बढ़ा के दे दिया। 15 सालों में ट्राइबल हाई स्कूल दुगने से ज्यादा बढ़ा दिए, 112%, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 81%, खेल परिसर 85%, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम। और आज मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी मामा नहीं रहने देगा। मेरे बच्चे अब कंप्यूटर पर भी खेलें, खेलना चाहिए कि नहीं? बिना कंप्यूटर के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कंप्यूटर सिखाने के भी कौशल विकास केंद्र हम खोल रहे हैं।